डॉक्टर्स, नर्सेज और तमाम जो फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ है वही असली योद्धा हैं जहां तक कोरोना से निपटने की बात है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि ये फ्रंटलाइन स्टाफ को सारी प्रोटेक्शन मिले, सारी प्रोटेक्शन दिलाई जाए, ना केवल उनको बल्कि उनके परिवारों को भी एकदम सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। दरअसल वेंसडे को सुनवाई हो रही थी याचिकाओं पे, उनमें से एक याचिकाकर्ता अमित साहनी जो हैं, जो वकील भी, उनका कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPEs जो हैं उनकी कमी भी है और बहुत ज़रूरी है कि ये इक्विपमेंट जल्द से जल्द डॉक्टर्स और नर्सेज को उपलब्ध कराए जाएँ ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। वो हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ में हैं जो इस बीमारी से युद्ध लड़ रहे हैं। और यही बात आज जस्टिस रविंद्र भट्ट और अशोक भूषण ने आज दोहराई सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान। आज मामले की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरी याचिका पर सुनवाई करते हुए और बाकी और याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये जो सेफ्टी मेजर्स बड़े ज़रूरी हैं और इन पर कार्रवाई बनती है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा इस मसले में कि इस पूरे मसले को लेकर के जो पेटिशनर्स ने सुझाव दिए हैं, जो सारी सजेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा और केंद्र सरकार इन पेटिशंस को अपोज नहीं कर रही है, पर केंद्र सरकार अपने तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है पूरे मसले को लेकर के, और इस पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कई और याचिकाएँ भी थी जिसमें उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न दिखाया गया था कि डॉक्टर्स को स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि डॉक्टर्स पर जो इंसिडेंट हुए हैं, कुछ हमले की वारदातें हुई हैं या और अन्य तरह के हमले हुए हैं, उस पर रोक लग सके। सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी ने भी इस केस में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बहस की। उनका कहना था कि उनके हिसाब से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेज के तनख्वाह से वो दाम निकाला जा रहा है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का जो भी खर्चा है वो उनके पर्सनल जो है सैलरी से निकल के आ रहा है, ये बात निकल के आई है। इसको तुरंत जो केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने उनको एकदम इनकार कर दिया, कहा कि ऐसी बात नहीं है और अगर ऐसा कहीं भी उदाहरण निकल के आता है तो आप बताएं तो हम तुरंत पुलिस भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी डॉक्टर या नर्स को अपने जेब से देना पड़ रहा है पैसा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो खत भी लिखेंगे, केंद्र की तरफ से खत भी जाएगा बाकी राज्यों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द जहां भी खामियां हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की, वो डॉक्टर्स और नर्सेज और जितने फ्रंटलाइन स्टाफ हैं उन्हें उपलब्ध किया कराए जाएं। दिल्ली सरकार में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि कमियां थीं उनको पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ केंद्र की तरफ से 1.5 करोड़ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है ऑर्डर किए हैं। केंद्र का कहना है कि जहाँ एकदम सख्त ज़रूरत है, जहाँ बीमारी ज़्यादा है, वहाँ उनको पहले उपलब्ध कराया जा रहा है और बाकी जगह भी जो है पूरी जो है ये इक्विपमेंट जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस बात पे सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ जो है उन्हें जल्द से जल्द पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी मेडिकल स्टाफ शामिल हैं, उनको जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।